पश्चिम राज्य में काटे हैं तो राधा कृष्ण को सोलकाल का विवाह मिला है। पश्चिम राज्य में दिखाते हैं राधा कृष्ण को सोलकाल का विवाह मिला। सौ साल का भक्ति मार्ग में तो सृष्टि की आयु ही नहीं दिखाते, तो वो सौ साल दिखाएं या क्या साल दिखाएं? भक्ति मार्ग में हमें तो बता दिया है कि सच्चाई तो है, लेकिन कितनी है? आटे में नमक मिश्र सच्चाई है। जैसे आटे में नमक रिद बिद जाता है आटे के कण कण में, ऐसे भक्ति मार्ग में सच्चाई भी रिदि विधि तो है, लेकिन टोटल हम अगर उसे सच्चाई के रूप में लेंगे ये नहीं हो सकता। और लंबादास सतयुग में क्या पाठ होता है? पार्ट के हिसाब से एक बात तो निश्चित कर लेनी पड़ेगी कि जो भी आत्माओं का पार्ट होता है वो काल चक्र से बंधा हुआ है या नहीं है। काल चक्र से बंधा हुआ है और काल चक्र में ये नियम है कि सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। सुना है, देखा है नहीं। समय चक्र परिवर्तन होता है और पार्ट भी परिवर्तनशील जरूर होता है। तो हर जन्म में कोई ऊंचा बना रहे या हर जन्म में कोई नीचा बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो टोटल कितने जन्म हैं? 84 जन्म हैं। 84 जन्मों में लेने वालों में आत्माओं की कैटेगरी जो 84 जन्म का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनकी कितनी कैटेगरीज हैं? मोटे मोटे रूप में कितनी कैटेगरीज है? जो आत्माएं 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाली है उनकी अगर कैटेगरी में बांटा जाए तो कम से कम कितनी कैटेगरीज है? हैं? दो कैटेगरीज है, एक जन्म लेने वालों की और एक जन्म देने वालों की। तो जन्म लेने वालों की जो कैटेगरी है वो बाद में शुरू होगी या पहले से ही शुरू हो जाएगी? उनकी पीढ़ी बाद में शुरू होगी। और जिनकी पीढ़ी बाद में शुरू होगी वो सतयुग में 8 जन्म लेंगे, क्या कहा जाएगा कि 9 जन्म लेंगे? हैं? सतयुग में 8 जन्म लेते हैं क्योंकि सतयुग में वहां होते ही है। कितने जन्म? 8 जन्म। तो त्रेता में वो आत्माएं कितना जन्म ले? 13 जन्म लेंगी, नहीं तो उनके 84 का चक्र पूरा नहीं हो सकता। और जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं उनकी पीढ़ी जन्म लेने वालों से पहले शुरू होगी या साथ साथ या बाद में? पहले शुरू होगी। तो सतयुग में उनके जन्म बढ़ जाएंगे या उतने ही रहेंगे जितना जन्म लेने वालों की जन्म है? बढ़ जाते हैं, एक जन्म बढ़ जाएगा क्योंकि एक पीढ़ी बढ़ जाती है। तो जन्म देने वाली आत्माएं सतयुग में, सतो प्रधानता की युग में
उनकी आत्मा जब सात्विक स्टेज में जो पार्ट बजाती है वो 16 कला संपूर्ण पार्ट बजाती है आदमी या कम बजा देगी है 16 कला संपूर्ण ही पार्ट बजा देगी। जन्म 9 होंगे तो 9 जन्मों में एक जैसा मर्तबा चलेगा या घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा तो नहीं लेकिन घटेगा। तो जगदम्बा का जो हिसाब है वो जगदम्बा ने जो पार्ट बजाया है वो बेसिक में और एडवांस में दोनों में जो पार्ट बजाया है वो जगदम्बा ने ज्यादा बजाया है या कोई दूसरी शक्ति ने ज्यादा पार्ट बजाया? जगदम्बा ने ज्यादा पार्ट बजाया। तो ज्यादा अनुभवी कौन हुई ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में? जगदम्बा ही बड़ी हुई। मुरली में भी कहा है जिसने ज्ञान ज्यादा ठहरा वो बड़ा ठहरा, जिसमें ज्ञान कम है तो हम समझते हैं ये छोटा पद पाने वाला है। ऐसे हम किसी को सीधा सीधा नहीं कह सकते ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं। हम ज्ञानी तो आत्मा ब्राह्मण बच्चे जो हैं, हमारी ये परंपरा है कि जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा। तो ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन बन जावेंगे। कहाँ बन जावेंगे हैं? अगले जन्म में, सत्युग में, त्रेता में, द्वापर कलयुग में या यहाँ पहले बन जावेंगे? यहाँ ऐसे ब्राह्मणों की सृष्टि में ही जिसमें ज्यादा ज्ञान होगा उसके लिए ये नियति बता दी गई, उसके पास स्थूल धन भी जास्ती होगा। ये ज्ञान मार्ग की बातें भक्ति मार्ग की परंपरा में चलती हैं या नहीं चलती हैं? चलती हैं। वहां भी जो परिवार होते हैं भक्ति मार्ग में अब तक भी होते चले आए, अभी लास्ट में तो पूरा विदेशियों का प्रभाव हो गया वो बात छोड़ दो, लेकिन भक्ति मार्ग में जो अब तक भी चलता चला आया तो परिवारों में बहू के पास ज्यादा संपत्ति का अधिकार रहता है या सास के पास ज्यादा अधिकार रहता है? स्थूल धन संपत्ति की ऊपर खजाना, उस चाबी मार करके कौन बैठती है? सास रहती है। सास अगर चाहेगी तो बहू को देगी चाबी, अगर बहू उसके कंट्रोल में चलेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। परंपरा चली आ रही है कि नहीं चली आ रही? ये परंपरा कहां से आई है? सतयुग आदि से मना संगम युग से ये परंपरा आई कि जगदम्बा जो है ऊंची स्टेज पर बैठने वाली हो या नीची स्टेज पर बैठने वाली होगी? ऊंची स्टेज होनी चाहिए, ऊंची कुर्सी है। जैसे राजघरानों में होता था राजमाता की कुर्सी और राजलक्ष्मी की कुर्सी, राजा भी बैठता है राजलक्ष्मी भी बैठती है गद्दी पर राजा के साथ, लेकिन राजमाता साथ में तो नहीं बैठती, फिर भी अलग कुर्सी है तो कुर्सी ऊंचे स्थान पर है। तो संगम युग में जगदम्बा जो 9 जन्म ब्राह्मणों के दो क्या ब्राह्मण देवताओं के गाए हुए हैं, जन्म देने वाले ब्राह्मणों के या देवताओं के, उन 9 जन्मों में ऊंचे से ऊंचा मान मर्तबा भोगती है या नहीं भोगती है?
तो हर जन्म में भोगती रहेगी, है? नीचे उतरेगी कि नहीं उतरेगी? नीचे उतरेगी। जैसे राधा कृष्ण की आत्मा सतयुग के पहले जन्म में ऊंचे से ऊंचे पद वाली होंगी, फिर सतयुग के लास्ट जन्म में क्या बन जाएंगी? प्रजावर्ग में आ जाएंगी या राजघराने में रहेंगी? प्रजावर्ग में आ जाएंगी। प्रजावर्ग में आ जाएंगी तभी तो राम सीता वाली आत्माएं उनके यहां जन्म लेकर के साहूकार प्रजा बनेंगी। कौन कौन गरीब बनेंगी? राधे कृष्ण वाली आत्माएं गरीब नहीं बनेंगी। क्या गरीब बनने का उनका सवाल नहीं है? कलयुग के अंत में आकर के सीढ़ी के चित्र में कृष्ण वाली आत्मा पुरुषार्थ में खड़ी है या पड़ी है? और राम वाली आत्मा बैगर के रूप में पड़ी है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है तो कौन गिरा हुआ है कौन उठा हुआ है? राम वाली आत्मा नीचे दिखाई जाएगी और कृष्ण वाली आत्मा फिर भी अंतिम जन्म में भी ऊंची स्टेज में है समाज की नजरों में। ऐसे ही सतयुग के अंत में भी कहा जाता है राम राजा राम प्रजा, तो राम वाली आत्मा जैसे प्रजा वर्ग में जाती है तो कृष्ण वाली आत्मा भी प्रजा वर्ग में तो जाती है लेकिन साहूकार प्रजा बनती है और उसका बच्चा राम वाली आत्मा बने। तो जो उस समय का राजा होगा आखिरी नारायण उसमें इतनी ताकत नहीं है धन संपत्ति की कि अपनी धन संपत्ति से सारे राज्य का संचालन करे, और लोन लेता हुआ दिखाया गया है। तो राम की आत्मा हो चाहे कृष्ण की आत्मा हो चाहे जगदम्बा की आत्मा हो उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे गिरते जाएंगे या एक ही जैसा मान मर्तबा बना रहेगा? तो आपके प्रश्न का समाधान हो गया। और थोड़ा जोर से बोल। ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे ब्रह्मा जो है ना नकुल लोक में जात हो जाती है, तो नकुल लोक में ब्रह्मा वाली आत्मा जात हो जाती है। ये बात तो ब्रह्मा ना जगदम्बा पर लागू होती है, जगदम्बा पर लागू होती है वास्तव में, माने सिर्फ जगदम्बा ही मृत्यु लोक में खलास होती है 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर। है जो भी ब्रह्मा के पार्टधारी हैं वो सभी तो संगम युग में ही ब्रह्मा का पार्ट पूरा करेंगे और उनका मृत्यु लोक खलास होगा। हाँ जगदम्बा का मृत्यु लोक कब है? जगदम्बा का मृत्यु लोक कब? जगदम्बा और जगत पिता ये साथ साथ हैं या आगे पीछे हैं? क्या कहेंगे? सुप्रीम सोल शिव ऊपर से आते हैं तो जगदम्बा जगत पिता में एक साथ प्रवेश होता है या आगे पीछे होता है? एक साथ प्रवेश होता है। तो दोनों को ब्रह्मा कहेंगे क्या कहेंगे? दोनों की ही ब्रह्मा की स्टेज है। ब्रह्मा कितनी वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है? 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। मैंने यज्ञ के आदि में वो कंट्रोल करने वाली माता भी वानप्रस्थी रही होगी या नहीं रही होगी? वो भी वानप्रस्थी।
और वो यज्ञ पिता भी वानप्रस्थी, उसको 60 वर्ष की एज में 40 वर्ष और ऐड किए तो सन 76 आ जाता है। दोनों की आय जो है वो वानप्रस्थी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और है? जोर से बोलो, अंदर की अंदर क्यों रख ली? मुस्लिम धर्म में कन्या माता को मस्जिद में क्यों नहीं जानती है? हाँ, मुस्लिम धर्म में कन्याओं माताओं को जो आवरण दिखाया जाता है वो कौन से रंग का दिखाया जाता है? क्यों काला पार्ट बजाती है क्या? व्यभिचारी पार्ट बजाती है क्या? अरे वो व्यभिचारी पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? है? उनका जो पूजा का स्थान है उसका नाम क्या है? मस्जिद। मिस तो है, कही जाती है, लेकिन जिद्दी बहुत है। तो अगर कोई कन्या जिद्दी हो, माँ बाप जैसे चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चले, तो जीवन में उसका कल्याण होगा या अकल्याण होगा? अकल्याण ही होगा, गलत रास्ते के ऊपर गई। तो इसलिए जो उनका पूजा का स्थान होता है वहां कन्याओं माताओं को नहीं जाने देते, घर में बैठ के नमाज पढ़ो। और गुरु अर्जुन देव के जो है जो सिखों के पांचवें गुरु थे। हाँ जी, इनको सती तवी के ऊपर बिठाया गया, गरम तवे के ऊपर बिठाया गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर क्यों बिठाया गया ये पूछ रहे हैं। अच्छा, वो तो स्थूल तवा हुआ, जैसे बाबा मिसाल देते हैं ना, कोई की बुद्धि में ज्ञान ठहरता ही नहीं, तत्ते तवे मिसल। मिसाल किसका दिया? गरम तवे का। गरम तवे पर दो चार बूंदे पानी की डालेंगे तो क्या होगा? तो उड़ जाएगा। तो ऐसे ही जो अर्जुन देव हैं उनको गरम तवे के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया। क्या ये जो गरम तवा है वो ज्ञान ठहरने नहीं देता है? पहला गुरु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक मिनट, भगवान की दृष्टि में पहले पांच प्यारे हैं, जो जितना ओल्ड होगा उतना गोल्ड होगा, या बाद वाले ज्यादा प्यारे हैं? है? पहले पांच ज्यादा प्यारे हैं, तो जो पहले ज्यादा प्यारे हैं उनमें पांचवा नंबर है अर्जुन देव का। जैसे हिंदुओं में पांच पांडव हुए ना, ऐसे ये पांच गुरुओं की विशेषता है सिखों में भी। ये पांचवा गुरु जो है वो कौन से गुरु से विशेष मिलता जुलता है पांडवों में? है? सहदेव। क्या? सहदेव जो है सदैव देवताओं का सहयोगी तो है, सिख धर्म का आधार है ना, लेकिन सदैव सहयोगी होते हुए भी
समझ जो है वो आदि से है, मध्य से है, ये अंत में आकर समझ मिलती है, है? अंत में आकर समझ मिलती है। तो ज्ञान ठहरता है या उड़ जाता है? उड़ जाता है, ठहर नहीं पाता है, इसलिए गर्म तवे के ऊपर भक्ति मार्ग में बैठा हुआ उनको दिखाया गया। और यज्ञ के आदि में नहीं बनवाया गया। हाँ जी, ये चित्र वगैरह जो बनवाए गए हैं, जब से बनवाना शुरू हुए हैं तब ही से सेवा तीव्र गति से शुरू हो गई। माना जब सेवा की तीव्रता आती है तब ही ब्राह्मणों की जनसंख्या बढ़ती है, या सेवा की तीव्रता न होने पर भी जनसंख्या बढ़ती है? है, जब तीव्रता आई तब जनसंख्या बढ़ी। तो ये 58 से 60 तक का जो पीरियड है उसे त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र तैयार हुए हैं कंप्लीट, साक्षात्कार से ही तैयार हुए, आज में नहीं तैयार हुए। हाँ, फिर गलती कैसे हो गई? हाँ, तो बाबा ने तो साक्षात्कार कराए, लेकिन जिन संदेशियों को साक्षात्कार कराए वो चित्रकार थी क्या? ठीक, वो चित्रकार तो नहीं थे, पेंटर तो नहीं थे कि जैसा जैसा उन्होंने देखा वैसा ही वैसा वो अपने हाथ से बना सके। तो उस समय चित्रकार बुलाए गए बाहर से, संदेशियों ने उनको जो देखा सो सुनाया, और उन्होंने जो सुना और जैसा समझा वैसा उन्होंने बनाया। तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जरूर अंतर पड़ेगा। इसलिए मुरली में बोला है कि लक्ष्मी नारायण का एक्यूरेट चित्र तो बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अंतर पड़ जाता है। साक्षात्कार करने वाली संदेशी ने साक्षात्कार किया, बनाने वाले चित्रकार ने बनाया, बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा ने उसको जांचा, कई बार जांचा, कई बार संदेशी ने बोला, कई बार उसने बनाया बिगाड़ा, तब चित्र तैयार हुआ। तो गारंटी है कि जैसा साक्षात्कार कराया गया था वैसा ही बना होगा, है? कोई गारंटी नहीं। इसलिए, और साक्षात्कार जो है वो भक्ति मार्ग की चीज है या ज्ञान मार्ग की चीज है? और तो भक्ति मार्ग की चीज है। भक्ति मार्ग में सच्चा कभी भी हो ही नहीं सकता। मीरा को भी साक्षात्कार हुए बैकुंठ से, तो क्या सच्चे मच्चे बैकुंठ में चली गई? गई नहीं, गई। हाँ, हाँ, प्योरिटी के पुरुषार्थ में असली पुरुषार्थ अच्छा कौन सा है? ब्राह्मण जीवन में जो असली पुरुषार्थ है वो किस किस बात का है? प्योरिटी का पुरुषार्थ। उस प्योरिटी के पुरुषार्थ में आदि से लेकर, चाहे एडवांस की यादें हो चाहे बेसिक की यादें हो, आदि से लेकर के अंत तक खड़ा कौन रहता है और आराम कौन करता है, पड़ा कौन हो जाता है, कौन है? अरे
ब्रह्मा बाबा का क्या है, खड़ा रहता है, हार्ट फेल नहीं होता है? हाँ, ब्रह्मा को तो वैसे भी पवित्र नहीं दिखाते हैं, पवित्र देवता नहीं मानते हैं, चित्र भी नहीं बनाते, मूर्ति भी नहीं बनाते, मंदिर भी नहीं बनाते, तो ब्रह्मा की तो बात ही नहीं। और शंकर को भी दाढ़ी मूछ भी कभी दिखाते हैं और कभी क्लीन शेव भी दिखाते हैं, इसका मतलब वो तो अलावंगा पार्ट है, हैं? कभी कैसा दिखाई पड़ता है, कभी कैसा दिखाई पड़ता है, तो उसको भी पवित्र कहें हमेशा? नहीं, उसको भी पवित्र नहीं कह सकते। फिर ऐसा कौन सा पार्ट है कि ब्राह्मणत्व के जीवन में पवित्रता का आदि से अंत तक निर्वहन करता है, और वो प्योरिटी की पावर ही भले अंत में एडवांस में आएगी, वो आत्मा तो फास्ट जाएगी या धीमी जाएगी, लास्ट में आने पर भी फास्ट चली जाएगी। क्या उसमें खासियत होती है? वो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है, या ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ काल में जो लंबे समय तक पुरुषार्थ किया है उसका रिजल्ट है कि लास्ट में आती है फिर भी गंगा के मुकाबले भी फास्ट, जगदम्बा के मुकाबले भी फास्ट, यमुना के मुकाबले भी फास्ट। शंकर के पार्ट के मुकाबले भी फास्ट कहेंगे या धीमा कहेंगे? हैं? इधर लंबे टाइम संक्षेत्र से प्रत्यक्ष होता है दूसरी मूर्ति, नाक रगड़ते रहे, हैं? सफलता मिलती है नहीं मिलती? तो फास्ट कहें या धीमा कहें? क्या कहें? धीमा ही कहेंगे। इसलिए विष्णु को खड़ा दिखाया और दो मूर्तियों को बैठा हुआ दिखाया। और हैं? हाँ, गुरु जो होता है वो गुरु साकार होता है या निराकार होता है? गुरु साकार होता है ना? अब भगवान, भगवान तो वास्तव में निराकार है। और बड़ा छोटा जो है वो निराकार आत्माओं को परम धाम में रखा जाए तो छोटी बड़ी कही जाएंगी, या वो आत्माएं साकार शक्ति पर आकर के पार्ट बजा देंगी साकार शरीर से, तब छोटी बड़ी कही जाएंगी? तो सदगुरु साकार है, गुरु भी साकार है, इसलिए भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु को देते हैं। और ज्ञान मार्ग में भी बाप है, टीचर है, बात मानो न मानो, 70 साल हो गए बाप की परवरिश लेते लेते, कितने साल हो गए टीचर की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, कोई माने न माने, पढ़े या न पढ़े, टीचर है या बाप है उसकी बच्चों में उम्मीद रहती है, चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। लेकिन टीचर और बाप बच्चों को प्यार ही देता है या ऐसी मार देता है कि खेल ही खलास हो जाए? प्यार ही देता है। लेकिन गुरु का पार्ट कैसा है? गुरु का पार्ट सख्त है, बार बार गलतियों को देखेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। टीचर को तो मोह रहता है अपने चेले के ऊपर, मेरा बच्चा है, मेरा
मेरा शिष्य है, मेरा स्टूडेंट है। गुरु को मेरा मेरा का कोई चक्कर नहीं है क्या? हाँ, और क्या सुनो? गुरु के नाम की महिमा क्यों है? गुरु को, हाँ गुरु नाम देते हैं, हाँ तो गुरु जो नाम देते हैं वो संगम युग में नाम की जगह क्या देते हैं? नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। यहाँ जो भी पाठधारी ब्राह्मण बच्चे हैं वो जैसा जैसा पार्ट बजाते हैं वैसा वैसा उनको नाम मिल जाते हैं। वहां झूठे नाम देते हैं कहां? भक्ति मार्ग में। और यहां, यहां सच्चे नाम देते हैं सदगुरु। बेसिक में भी जो नाम दिए हैं ढेर सारे संदेशियों के द्वारा नाम आए वो झूठे साबित हो गए या सच्चे साबित हुए? है सारे झूठे हो गए, क्योंकि नाम देने वाला जो गुरु था वो गुरुओं की लिस्ट में था या सदगुरु था? वो भी गुरुओं की लिस्ट में था, वो नाम भी सारे झूठे हो गए। और ये जो लास्ट पार्ट होगा गुरुओं के रूप में वो सदगुरु का पार्ट है, वो नाम ऐसे ही नहीं देगा क्या? न काम करो फिर नाम पाओ, काम नाम कुछ भी नहीं नाम देते जाओ। है केला खुश हो जाए कि हाँ हमको इतना बढ़िया पार्ट दे दिया, हाँ खूब गुरु जी के टांगे दबाओ। तो ये सदगुरु तो भक्ति से प्रसन्न होने वाला नहीं है। बाबा गुरु और टीचर में अंतर क्या है? टीचर पढ़ाई पढ़ाएगा क्या? टीचर का काम मुख्य क्या है? पढ़ाई पढ़ाना। और जो गुरु जो है वरदान दे देता है, लेकिन लायकात के अनुसार ही देगा ना, ऐसे तो नहीं दे देगा। और तो पांच पांच मुख का सांप दिखाया है भक्ति मार्ग में है? हाँ, कोई आदमी एक मुंह से बात करता है एक बात करता है। जैसे बाबा ने बोला, बाबा की ऐसी दुकान थी जिसमें एक दाम क्या, ग्राहक कितना भी हिलाए डुलाए लेकिन दो दाम नहीं। तो ऐसे ही कोई मनुष्य ऐसे होते हैं, उनके ऊपर कितनी भी परीक्षाएं आए जो एक बात बोलेंगे वही अंत तक एक ही बात बोलते रहेंगे। कोई ऐसे हैं पैंतरेबाज होते हैं, एक बात बोली देखा कि कुछ व्याधि आ गई तो दूसरी बात बोल दी, तो उनको कहा जाता है दुमोह। भक्ति मार्ग में तो कोई कोई देवताएं दिखाए गए छह छह मुख वाले क्या है? और पहला राम होगा है? पहला राम, हाँ जी, वो राम जी आत्मा होगी या वैष्णवी होगी? किसकी होगी? राम जी आत्मा होगी या वैष्णवी शक्ति होगी? या वैष्णवी शक्ति होगी। अच्छा, हिसाब लगा लो क्या
जो राम वाली आत्मा है वो संगम युग में पहला जन्म है ना, है? उस संगम युग में पहले जन्म में पुरुष है या स्त्री है? है? पुरुष है, पहले जन्म में पुरुष, तो उससे अगले जन्म में क्या होगी? स्त्री। ऐसे करते करते त्रेता के आदि में पहुंचो, त्रेता के आदि में जाकर के कौन से नंबर का जन्म होगा? अरे हम नंबर पूछ रहे हैं, नौ नंबर होगा। नौ नंबर तो सतयुग के आठ जन्म और संगम युग का एक जन्म वहीं खत्म हो गए। त्रेता के आदि में कौन सा नंबर होगा? दसवां नंबर होगा ना, है? दसवां ही नंबर होगा ना। तो अब गिन लो, ये राम पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। तो राम वाली आत्मा त्रेता के आदमी क्या बन गई? स्त्री बन गई, बन गई ना। तो जो स्त्री बन गई उसको राम कहेंगे कि सीता कहेंगे? है, सीता कहेंगे। जो सीता का पार्टधारी है वो सीता का पार्टधारी का गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में, या राम का जो पार्टधारी है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम? संगम युग में वो कौन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसकी एक में मर्यादा है? जैसे भी शक्ति है वो राम वाली आत्मा जो संगम में पार्ट बजाती है, जिसके लिए कहा गया कि पतित से पतित तन में शिव प्रवेश करता है, 900 चूहे खाए बिलैया हज को चली, उसको फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहेंगे? कहेंगे हाँ, कहेंगे नहीं बाबा। जब ज्ञान सुन जाते हैं एडवांस में तो फिर जो शंकर वाला जो शरीर है उसको राम बली आत्मा को कहते हैं, है? उसको राम बली आत्मा को कहते हैं। जब नाम दिया है भक्ति मार्ग में, किस आधार पर नाम दिया है? कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी समझाता रहे, कुछ भी समझाता रहे, सुनाता रहे, लेकिन हम तो ब्राह्मण है ना, हम ब्राह्मणों को बाबा ने बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, तीसरा नेत्र दिया हुआ है। हमको क्या करना है? हमको काम के आधार पर नाम समझना है या कोई जो कुछ बताता रहे सुनाता रहे सो समझना है? भक्ति मार्ग में जो भी नाम है वो काम के आधार पर नाम है या ऐसे ही नाम दे दिए गए? शंकर भी तो नाम है, नहीं है? अरे आप क्या झपकाते हो, हाँ ना तो करो। हाँ शंकर जो है वो भी तो नाम है ना, तो शंकर माना क्या? मिथ है, संग का र, तीन अक्षरों का पार्ट है, तीन अक्षरों से तीन पार्ट बने, संग संगारकारी। राम वाली आत्मा संगारकारी, कृष्ण वाली आत्मा संगारकारी, किसको संगारकारी कहेंगे, या शिव वाली आत्मा संगारकारी? तमो प्रधानता का संहार कौन करता है? पुरानी दुनिया का संहार कौन करता है? पुराने धर्मों से टक्कर लेकर के उनके पुरानेपन को खलास करके नई दुनिया स्थापन कौन करता है? रमली आत्मा पुरानेपन से टक्कर लेती है? 63 जन्मों में टक्कर लेकर के क्यों नहीं दिखाई? 63 जन्मों में राम वाली आत्मा थी या नहीं थी? फिर कितनी टक्कर लेती रही?
अरे विधर्मियों से टक्कर ली या नहीं ली? टक्कर तो ली, लेकिन फिर उनको खलास कर पाया नहीं कर पाया? तो कौन सी शक्ति है जो कोई भी धर्म पिता नहीं है, जो पुरानेपन को खलास कर सका हो, पुराने धर्मों को, पुराने धर्म की धारणाओं को खलास करे और नए सद्धर्म की स्थापना करके दिखा दे? तो अपना अपना धर्म तो सबने स्थापन कर दिया, लेकिन पुरानी परंपराओं को नाश किसी ने नहीं। इसके लिए तो जो पुराने पोंगा पंडित चले आ रहे हैं कुर्सियों पर बैठे हुए, उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी कि नहीं है? उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी। वो टक्कर लेने की ताकत न राम की आत्मा में रही, न कृष्ण की आत्मा में रही, न जगदम्बा की आत्मा में रही, न वैष्णो देवी की आत्मा में रही, कोई देवी देवता में ये ताकत नहीं रही। तो वो ताकत किसकी है? वो शिव ही शक्ति पर आता है, वो ही शक्ति देता है। तो संग माने कौन सी आत्मा? शिव का कृष्ण रा राम तीन अक्षरों से मिलाने से संकर बना, तीन पार्ट हुए, मिक्स पार्ट हो गए। तो जिस मूर्ति में तीनों ही पार्ट मिक्स है उसका नाम हुआ शंकर। और फिर दूसरी बात, आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है या शरीर के ऊपर नाम पड़ता है? शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। आत्मा के ऊपर नाम तो सिर्फ एक ही नाम है जिसका आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है, वो है शिव। शरीर नहीं है तो भी नाम है, लेकिन और जितने भी नाम है देवी देवताओं की या राक्षसों की या कोई के भी, वो सब शरीर ऊपर नाम। तो शंकर भी शरीरधारी है या आत्मा सिद्ध है? शरीरधारी है। इसलिए जो नाम है शंकर वो काम के आधार पर नाम है और शरीर के द्वारा भी ये काम किया वो संपन्न होता है। बिना शरीर के बिंदु सिर्फ है वो कार्य संपन्न नहीं कर सकती। सदगुरु का काम क्या है खास? सदगुरु शब्द सदगति से कहा है सदगुरु। जो सदगुरु है क्या देता है? गति सदगति सदगुरु से होती है। तो गति सदगति का काम 100 साल के संगम में अंत तक चलता रहेगा या बीच में खत्म हो जाएगा? जवाब नहीं मिला। विष्णु तीसरी मूर्ति है। तीनों मूर्तियां जब प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाए तभी सद्गुरु का पार्ट शुरू होगा या उससे पहले शुरू हो जाएगा? तीनों मूर्तियां परफेक्ट होगा सदगुरु का पाठ है ही अंत का पाठ। शंकर ने आपने तो बताया कि कै दूसरी आठ आठ चार काम करता है, तो कै कृष्ण का कै कृष्ण का अर्थ होता है ब्रह्मा जो करता है रमन ज्ञान में रमन कराने रा माने योग में रमन कराने वाले, याद में रमन कराने वाले। याद उसी की आती है
जिसके साथ कुछ न कुछ पार्ट बजा हो। क्या अगर पार्ट नहीं बजा है तो याद नहीं आती। हाँ पानी तो है। है? अच्छा, और हम और ये सब लोग कहते हैं कि वो कल्याणकारी मुरलियों में तो ये बोला है कि वो कल्याणकारी है। अरे कल्याण और अकल्याण विपरीत खुदक खुदक के करेगी या साकार शरीर के द्वारा कल्याण करेगी? हाँ तो अब आगे बताओ। हेलो, पाप का विनाश करता है, तामस का विनाश करता है, दुखदाई का विनाश करता है, ये अच्छे का विनाश करता है, है? तो तुमको विनाश चाहिए नहीं है? तुम्हें चाहिए दुखदाई? अगर चाहिए हो तो मिल जाएंगे। चाहिए है? है? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो विनाश भी चाहिए कि नहीं चाहिए? विनाश चाहिए या नहीं चाहिए? तो कल्याण हुआ या कल्याण? वो भी कल्याण हुआ। और वो काम कोई नहीं कर सकता क्या? वो कल्याण का काम जो विनाश का कल्याण का काम है, वो कोई भी एक्स वाई जेड एक नंबर से लेकर के लास्ट नंबर तक, अव्वल नंबर से लेकर और 560 करोड़ का लास्ट नंबर है, उनके बीच में कोई भी नहीं कर सकता वो कार्य, न करा सकता है। तो वो शिव है कल्याणकारी पार्टी करेंगे क्या? कल्याणकारी कल्याणकारी कहेंगे। और विदेशों में ब्रह्मा बाबा और प्रजापिता। ब्रह्मा बाबा जब कहा जाता है तो अम्मा बाबा हो गया, जो दरबूज वाला अम्मा है, है? और प्रजापिता जब कहा जाता है तो अम्मा का पार्ट तो बजाता है अर्धनारीश्वर के रूप में। क्या पालना तो प्रैक्टिकल में करता है, भले प्रैक्टिकल में मां ही देखने में आती है तो भी पालना तो करता है, लेकिन साथ साथ में पिता का भी पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? बजाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। और जो प्रजा सत्य क्या था? हाँ प्रश्न ये है कि माँ घर संभालती है या बाहर संभालती है? भारतीय परंपरा है कि माँ को घर बाहर देखना है, बच्चों को देखना है, ये माँ का खास काम है, ये भारतीय परंपरा है। और विदेश की परंपरा क्या है? विदेशी परंपरा आई है तो बाल बच्चों को जाने दो, गड्ढे में जाने दो, उसको माँ का प्यार मिले या न मिले। कन्याएं माताएं नौकरी भी कर सकती हैं, उनको धंधा दौरी जरूर करना है, उनको पढ़ाई पढ़ना है, उनको घर बार देखे या न देखे। बाबा ने मुरली में क्या बोला है? कन्याओं को पेट के लिए माथा मारना है या नहीं मारना है? बाबा ने ये भारतीय परंपरा बताई कि कन्या माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है, कन्या माताओं को घर बार बाल बच्चे संभालने, जो काम पिता नहीं कर सकता। तो यही बात है, अभी भी वर्तमान संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में पिता पार्ट को बजा रहा है,
माँ का भी पार्ट बजा रहा है और बाप का भी पार्ट बजा रहा है, लेकिन माँ के रूप में जो प्यार मिलना चाहिए गहराई से, जो संस्कार बच्चों में आने चाहिए माँ के प्यार के, वो रुद्रमाला के वर्णों में आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो बाप तो आकर के देवी देवता सनातन धर्म की भारतीय परंपरा स्थापन करते हैं, घर संभालना है माँ को और बाहर संभालना है बाप को। तो जितने भी विदेशी हैं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के जो बीज हैं, उनको बाप रुद्रमाला में अभी संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है? हैं? संभाल रहा है। बाप विदेश को संभालता है, बाहर को संभालता है, और जो कन्या माताओं के संस्कार वाली विशेष आत्माएं हैं विजय माला वाली, उसको कौन पालना देता है आज के अंत तक? किसकी पालना मिली उनको? अभी भी किसकी मिल रही है? ब्रह्मा की पालना मिल रही है। ये भारतीय परंपरा है। किसने प्रश्न पूछा था? हाँ, क्या एक बार रिपीट करो। हैं? माँ, अरे माँ का तो पार्ट पूरा हो गया ना। ब्रह्मा माँ जिसने प्रैक्टिकल में सक्षम सत्य जिसने माँ का पार्ट बजाया, वो तो देखने में आ रहा है ना। वो विदेश में पार्ट बजाया या स्वदेश में? स्वदेश में पार्ट बजाया। तो उनका भल पासपोर्ट भी बना था विदेश में जाने का, लेकिन विदेश में नहीं गए। माँ का पार्ट नहीं है विदेश में जाने का, किसका पार्ट है? बाप का पार्ट है। वहाँ इंडिया में भी, भारत में भी, जो भारत का विदेश है, जो बाप का पार्ट है, वो भारत में, जो भारत का विदेश कहा जाता है, उसमें फाउंडेशन डाल रहा है, उसमें ज्यादा चक्कर काट रहा है या नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चक्कर काट रहा है? है? बाप जानता है ना कि बाप को प्रत्यक्ष विदेशी करते हैं या स्वदेशी? तो विदेशी करते हैं। डबल विदेशी बच्चों को ये खासियत बताई है कि वो बाप को प्रत्यक्ष जरूर करते हैं। फॉरन काम करते हैं, डबल फाइनर है। विदेशी का मतलब क्या होता है? देश की ग्लानी करने वाले, विपरीत देशी या अनुकूल देशी? मतलब विपरीत देशी। तो ग्लानी करेंगे कि नहीं करेंगे? जितने भी इंडिया को छोड़ करके बाहर के देशों में चले गए, दूसरे दूसरे धर्मों को अपना लिया, दूसरे धर्म खंडों में रह रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, वर्षों से जीवन बिता रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही जीवन बिता रहे हैं, तो विदेशी नहीं कहेंगे? भारत के लिए उनके अंदर कुछ हीन भावना पैदा हुई है तब गए हैं, या श्रेष्ठ भावना थी तब गए? कुछ न कुछ हीन भावना थी तो गए। अभी भी भारत का जो जहीन वर्ग है, बुद्धिमान वर्ग है, स्कूल कॉलेजों में फर्स्ट क्लास हमेशा पास होने वाले, वो भारत की गवर्नमेंट उनको सिलेक्ट करती है, फिर विदेश में चले जाते हैं। तो विदेश में चले जाते
बाबा के यहाँ द्वितीय परिवार में जो बुद्धिजीवी आत्मा है, जो कि ब्राह्मण परिवार की बुद्धिजीवी आत्मा है, बिछड़ी हुई बुद्धिमान बाप को पहचानने वालों को बुद्धिमान कहेंगे, अकली बुद्धिमान बाप को पहचानने वालों को कहेंगे, या दूसरे बाप को अपना बाप मान ले उनको कहेंगे, जो अम्मा को ही बाप मान ले उनको बुद्धिमान कहेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं बाबा के हर बाप एक दो पहलू पर लागू होता है, बाबा की हर बात जो है तुम वही लागू होती है, बाबा की कोई भी बात दो अर्थ तक होती है। बोलो बोलो, अच्छा बाप बेहद में बात करते हैं, बेहद के बच्चों से बात करते हैं, या हद में बात करते हैं, हद के बच्चों से बात करते हैं, तो आप दो की बात क्यों करते हैं और हद के बच्चों से हद में बात करते हैं? कोई मुर्गी बोला? कोई मुर्गी ने बाबा ने ये कहा कि बेहद का बाप हद के बच्चों से हद की बात करते हैं? माने आप बाप एक है और एक ही बात करता है, बेसिक में भी बाप की बात एक ही थी, उसका किसी ने अनर्थ किया और अनर्थ के आधार पर चला जीवन में, तो भी बाप की एक ही बात थी। सन 66 में बोला, सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की अपना उठ। तो बाप ने दो बातें बोली या एक बात बोली? बाप ने तो एक ही बात बोली। बाबा जो जो अच्छे पढ़ाई लिखाई करके विदेश में जो चले जाते हैं, उसका किसी ने हाथ परिवार है वो ये करता है, सारे यहाँ एक्स्ट्रा बुद्धि चलाने वाले नहीं है क्या? विजरूप आत्माओं में यहाँ एक्स्ट्रा बुद्धि चलाने वाले नहीं है, राम की सेना यहाँ नहीं है, बंदर की खासियत होती है, क्या खासियत होती है? नकलची होता है, ऐसा नकलची होता है अगर किसी को दाढ़ी बनाते हुए भी देखेगा ना, और उसके हाथ में सीता और उत्तरा पड़ जाए तो काट देगा। और इसलिए बाप बुद्धिमान बच्चों को पसंद नहीं करता, दिलवाले बच्चों को पसंद करता है।